अरे दोस्तों, टेक्निकल भानु जी में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग कहीं लड़का देखने जा रहे हैं, लड़की देखने जा रहे हैं, और अगर आपको लड़का पसंद आ जाता है या लड़की पसंद आ जाती है, तो दोस्तों हमारी जो दूसरी प्रोसेस होती है वो ये होती है कि हम दोनों की कुंडली को मैच कराएं। अगर दोनों की कुंडली मैच होती है तब हम शादी की बात आगे छेड़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी जो मुसीबत हमारे सामने ये आती है कि जब हम लड़का पसंद कर लेते हैं या किसी की लड़की पसंद कर लेते हैं, तब दोस्तों हमारे सामने मुसीबत ये आती है कि हमें उसकी कुंडली को मैच कराना होता है। अगर आप लोग कुंडली के दायरे में रह के शादी करना चाहते हैं, तो कई लोग तो बिना कुंडली के भी शादी कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कुंडली पर बहुत विश्वास करते हैं और कुंडली मैच करा के ही शादी कराना चाहते हैं। तो अगर आप लोग भी इस टाइप के हैं और आप लोग को भी कुंडली मैच करा के शादी कराना अच्छा लगता है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आज मैं आपको ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसको आप मोबाइल में डाउनलोड करके लड़का और लड़की की डिटेल लेकर के उसमें डाल के आप आसानी से ये पता कर सकते हैं कि कुंडली मैच हो रही है नहीं हो रही है। अगर कुंडली मैच होती है तो आप शादी की बात कर सकते हैं, अगर मैच नहीं हो रही है तो आप दूसरा रिश्ता देख सकते हैं। दोस्तों ये जो एप्लीकेशन इतनी एक्यूरेट सही बताती है, ये एप्लीकेशन आपको वही बताएगी जो आपको पंडित वहाँ पर बताएगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और इसमें आप लड़का लड़की की कुंडली देख करके आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको पहली बात तो पंडित के पास जाना नहीं पड़ेगा। तुरंत में आपको जो भी रिश्ता पसंद आ रहा है, जितने लड़के पसंद करना उतने लड़के पसंद कीजिए, उनकी डिटेल लीजिए, या जितनी लड़की हो उतनी लड़की पसंद कीजिए, उनकी डिटेल लीजिए और उस मोबाइल में फीड किए, इस एप्लीकेशन में डालिए और दोनों का मैच करके देख लीजिए। अगर आपको मैच होता है तो आगे शादी की बात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से आप अगर आपका मैच हो जाता है तब जरूर आप पंडित के पास जाइए सलाह मशवरा करने कि भाई हमें हमारी लड़का लड़की की कुंडली को हमने मैच कराया है, मैच हो रही है, तो अब आप आगे बताइए कि आगे क्या करना है। तो दोस्तों इसके बाद आप चाहे तो पंडित के पास जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, मैं आपको इसमें बताता हूँ कौन सी एप्लीकेशन है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे इसमें कुंडली मैच करना है, सब कुछ आपको ए टू जेड करके बताऊंगा। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मेरे चैनल पर टेक्निकल वीडियोस, अनबॉक्सिंग के वीडियोस और ऐसी बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस आती रहती है जो आपको फायदा भी देंगी और आपका दिमाग भी बढ़ाएंगी। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको कुंडली वाली जो ऐप है उसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको अपने गूगल प्ले पे जाना है। यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कुंडली ऐप। जब यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन मिल जाएगी, लेकिन आपको यहाँ पे जाना है एस्ट्रो सेगा कुंडली पे। यहाँ पे आपको इसको क्लिक कर देना है। ये एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड कर ली है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम इसे ओपन करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें पूछ रहा है वाइल यूजिंग दिस ऐप ओनली दिस टाइम डिले, तो आपको सबसे ऊपर वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में इस एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हैं। हिंदी करना चाहते हो हिंदी कर लीजिए, इंग्लिश करना चाहते हो इंग्लिश कर लीजिए, दोनों आपके पास ऑप्शंस हैं। जैसा भी आप चूज़ करेंगे वैसे आपकी स्क्रीन आने लगेगी। तो मैं इंग्लिश कर लेता हूँ, नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ से आपको पूछ रहा है, ये आपको कह रहा है कि आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कीजिए। आप चाहे तो फेसबुक या जीमेल से या ईमेल से कहीं से भी आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं जीमेल को क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली मेरा जो अकाउंट है उससे अकाउंट क्रिएट कर देगा। ठीक है, ये देखिए मैंने क्लिक किया और मेरा अकाउंट ऑटोमेटिकली ले लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी जो कुंडली की ऐप है वो ओपन हो चुकी है और अब हम इसमें जो भी चाहें कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले जो ऑप्शन दिया है कुंडली का, आप इसको क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए आप किसी एक पर्सन की कुंडली जानना चाहते हैं तो वहाँ पे आप नाम इंटर कर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ इंटर कर दीजिए। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, योगेंद्र भानु, यहाँ पर मैं डेट वेट वगैरह सब यही रहने देता हूँ। आगरा यहाँ पर सेलेक्ट है, आप सिटी अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी करना है आपको। चलिए मैं अभी फ़िलहाल इसको यही रहने देता हूँ। मेल या फीमेल है जो भी आपको सेलेक्ट करना है कर लीजिए। यहाँ से आपको कैट पे क्लिक करना है और इसको आप क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं इस नाम से मेरी पूरी कुंडली मेरे सामने आ चुकी है। ठीक है, तो ये था दोस्तों सिंगल कुंडली के लिए। ठीक है, अब बात आती है कि अगर आप लोग किसी की कुंडली मैच कराना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पर इस तरीके ऐड भी आ सकते हैं, इन ऐड को आप चाहे तो हटा सकते हैं। तो दोस्तों वापस हम कुंडली में जाते हैं अपनी। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी डिटेल दी गई है। यहाँ पे आप वापस जाएंगे, बैक कीजिए इसको। ठीक है,
अब अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई लड़का पसंद कर लिया है, कोई लड़की पसंद कर ली है, तब आपको अगर उसकी कुंडली मैच कराना है तो आप उसकी पूरी डिटेल ले लीजिए। और उसमें यहाँ पे आप मैचिंग में जाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों, अगर आप एक लड़के हैं और आपने आपने कोई लड़की पसंद की है तो लड़के का आप डिटेल यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि आपको अगर किसी भी लड़की या लड़के को पसंद करने के बाद उसकी कुंडली मैच कराना है तो आपको उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लगती है। वो है सबसे पहले उसका पूरा नाम, उसका दूसरा डेट ऑफ बर्थ कि वो कब पैदा हुआ है, कब पैदा हुई है, तीसरा उसका लगता है दोस्तों किस समय पैदा हुई है या किस समय पैदा हुआ है, ठीक है, और चौथा तो दोस्तों जो हमें लगता है वो है किस सिटी में पैदा हुआ है। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए कुंडली मैच कराने के लिए। अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है तो आप सही से सही कुंडली मैच करा लेंगे। ठीक है, तो आप दोस्तों हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है और हमें कुंडली मैच कराना है, सबसे पहले हम बॉय का नाम लिखते हैं। अगर दोस्तों मान लीजिए मैंने कोई लड़की पसंद किया है और मैं एक लड़का हूँ, तो मैं अपनी कुंडली और उसकी कुंडली कैसे मैच करूँगा? सबसे पहले मैं अपने यहाँ पे नाम डाल देता हूँ। अगर आप लड़की वाले हैं तो आप लड़की का भी डिटेल दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी आपको नाम डालना है नाम डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ में आपको जो भी सेलेक्ट करना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरी फ़िलहाल में अभी कुछ भी डाल के आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, टाइम आप जो भी टाइम में पैदा हुए हैं वो भी ज़रूर डालिए। ठीक है, जो भी आपको डालना है सेट कर दीजिए। जहाँ पे आप पैदा हुए हैं उस सिटी को डाल दीजिए, सिटी डालते ही दोस्तों ऑटोमेटिक ले लेगा सिटी आपकी। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आपको कोई लड़की का भी डिटेल डालना है जिस लड़की को आपने पसंद किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं कुछ भी नाम डाल देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी डाल देते हैं कुछ भी। फिलहाल तो मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ, कुछ भी आपको करके बता दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, उसके बाद हम इसका टाइम डाल देते हैं, मान लीजिए इसने इतने बजे पैदा हुई होगी और जहाँ पे भी ये हुई हो, चाहे उसी सिटी में हुई हो। ठीक है, तो दोस्तों हमारी हमने दोनों डिटेल डाल दिए। इसी तरीके से आपको डिटेल फिल करना है और यहाँ पे लिखा है 100 मैच। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे हम तो आप देखेंगे हमारे सामने कुंडली पूरी ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, 36 गुण में से सिर्फ मात्र हम दोनों के 11 गुण मिल रहे हैं, यानी कि कुंडली परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों आप पता कर सकते हैं कि कुंडली परफेक्ट है या नहीं है। यहाँ पे नीचे भी लिखा है योगेंद्र भानु हैज़ लो मंगल दोष, यानी इसमें लिखा है कि इसमें लो मंगल दोष है एंड नेहा सिगोतिया हैज़ नो मंगल दोष, और नेहा सिगोतिया में कोई भी मंगल दोष नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कुंडली में उतनी मैच नहीं खा रही है। और इसमें नीचे पे एक लाइन और लिखी कि अगर आप लोग चाहें तो पंडित से परामर्श लेकर के भी ये आगे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब डिटेल दिया। अगर आपको शादी करना है तो ये सब इस तरीके से आप मैचिंग कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा डिटेल दिया, वो पढ़ सकते हैं। ये देखिए पूरा डिटेल दोनों के विवाह की आ गई है। और आप चाहें तो यहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे, अलाउ कर देंगे, तो इसकी जो PDF है दोस्तों वो आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी और आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं या किसी से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों डिटेल आ गई है, आपको जिसकी चाहें उसकी मैच करा सकते हैं। तो इससे आपको फ़ायदा ये है कि आपको तुरंत में पंडित के पास जाना नहीं पड़ेगा। अगर आपको कोई लड़का या लड़की पसंद आई है फ़ोटो में भी और आप उसके घर जाना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि पहले हम पता कर लें कि कुंडली मैच हो रही है या नहीं हो रही है, उसके बाद अगर आप रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं, देखने जाना चाहते हैं, तो बस आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, सामने वाले की डिटेल ले लीजिए और इस डिटेल को पूरा इसमें भर दीजिए। उसके बाद अगर आपको कुंडली मैच खाती है तो आप उसके घर जाइए, उसको देखिए, पसंद कीजिए और बात आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, और कुछ पूछना हो तो नीचे डिटेल में कमेंट में पूछ सकते हैं एप्लीकेशन के बारे में। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।